What is going on, baby? Welcome back guys to the channel. And ये वीडियो में जो है guys हम यहाँ पे बात करने वाले अबाउट द ब्लड स्ट्राइक एंड वॉर जोन मोबाइल. ठीक है, तो जैसे आपने टाइटल पढ़ दिया है, टाइटल कुछ अजीब होगा, कुछ यू नो सार्कैज़म वाला होगा, थंबनेल पता नहीं क्या होगा. बट यहाँ पे जो है guys एक न्यूज ऐसी निकल के आई है कि भाई जो सुन के आप यहाँ पे मतलब पता नहीं आप गालियां दोगे, हंसी आएगी आपको या फिर क्या होगा, आपके क्या थॉट्स है, आपका क्या रिएक्शन है guys इसके ऊपर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. बट यहाँ पे जो है आपको पता है वॉर जोन मोबाइल जो है ग्लोबल रिलीज होने वाला है. आज 16 तारीख है, 5 दिन बचे हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो है गाइस ग्लोबल लॉन्च होने वाला है. बट यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक जो है या फिर ब्लड स्ट्राइक वो भी जो है गाइस उसके साइड से भी जो है गाइस कुछ हलचल हमें देखने को मिल रही है. ठीक है, अभी जो ब्लड स्ट्राइक है उसका जो है यहाँ पे शायद से बहुत सारे रीजन में जो है वो ग्लोबल लॉन्च या फिर ग्लोबल रिलीज हो गया ऐसे दिखा रहा है. बहुत सारे लोगों को जो है गाइस राइट अवे इंस्टॉल करने का बटन आ रहा है. उसके बाद अगर आपने iOS पे प्री रजिस्टर किया था तो यहाँ पे जो है गाइस iOS वालों को मेल भी जा रहा है कि यू नो गेम अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए. अब ये जो गेम है गाइस ब्लड स्ट्राइक ये वॉर्जोन मोबाइल के साथ ही रिलीज होने वाला था. डेट जो है दोनों की सेम है, 21 मार्च. ठीक है, पहले वॉरजोन वालों ने डिक्लेयर की, उसके बाद जो है गाइस ब्लड स्ट्राइक वालों ने एग्जैक्ट सेम डेट जो है यहाँ पे सिलेक्ट की ग्लोबल लॉन्च के लिए. बट ऐसे देखने में आ रहा है कि ब्लड स्ट्राइक जो है शायद से कुछ कुछ रीजन में ऑलरेडी रिलीज होना चालू हो चुका है, बट ये मेजर न्यूज नहीं है. ठीक है, मेजर न्यूज जो है गाइस मैं आपको सामने अभी दिखाता हूँ. ब्लड स्ट्राइक वाले जो है गाइस एक मैप इंट्रोड्यूस करने वाले है, अ न्यू बैटल रॉयल मैप जिसका नाम है शटर आइलैंड. ठीक है, शटर आइलैंड, एंड वो जो है गाइस अप्रैल में आने वाला है. अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. ठीक है, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अभी जो है गाइस मैं आपको फोटो दिखाता हूँ सामने. वो शटर आइलैंड जो है देख लेना कैसे दिखता है भाई, मतलब नेटीज यार तुम लोग कैसे कर लेते हो भाई, कैसे इतना अच्छी तरीके से जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हो मुझे पता नहीं चलता. बट डेफिनेटली पूरा का पूरा जो मैप है गाइस यहाँ पे यू नो छापा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है मैप का, यू नो जो लेवल डिजाइन होती है मैप की, वो जो है गाइस यहाँ पे कम्प्लीटली जो है छापा गया है. आप देख सकते हो जैसे कि अल्कैट्राज़ है या फिर वॉरजोन मोबाइल में जो है फिलहाल के टाइम में रिसर्जेंस वाला जो मैप है, इन शॉर्ट अल्कैट्राज़, तो वही जो है गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. एंड ब्लड स्ट्राइक में जो है अल्कैट्राज़ मैप हमें देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम उन्होंने यहाँ पे जो है शटर आइलैंड लगाया. अभी सीरियसली कह रहा हूँ भाई, मतलब इतना मिलता जुलता है, मतलब हेलीपैड की लोकेशन, उसके बाद वो डॉक की लोकेशन उस साइड में, उसका जो मेन बिल्डिंग होती है, ड्यूड भाई भाई कैसे कर लेते हैं यार, ये फिर से जो है गाइस मार खाने वाला है, मेरे को पूरा फील आ रहा है. क्योंकि आपको नहीं पता गाइस तो प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक जो है गाइस उसको जो है ऑफिशियली यहाँ पे यू नो कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से जो है कुछ यहाँ पे टोचन मिल गया था, एंड उसके बाद फिर से ये गेम जो है गाइस अंडरग्राउंड गया था. कुछ महीनों बाद फिर से ये गेम आया, एंड अभी जो है गाइस ये प्रॉपरली मार्केट में है. बट जैसे ये हरकतें कर रहा है, आई डोंट थिंक कि ये ज्यादा देर मार्केट में टिकने वाला है. ठीक है भाई, तुम लोग को क्या करने की जरूरत है, इन्होंने सबसे पहले ग्लोबल लॉन्च की ढाप ली, ठीक है, चाम ली, सेम डेट पे जो है गाइस इन्होंने रिलीज करने का सोचा. उसके बाद जो है गाइस अभी अप्रैल मंथ में जो है गाइस वॉरजोन मोबाइल में रस्ट मैप भी आ रहा है, एंड शायद से क्या पता मे बी सेम डेट को जो है वो लोग ये शटर आइलैंड भी रिलीज कर दे. ब्लड स्ट्राइक वालों ने जस्ट अप्रैल कहा है, अप्रैल की कौन सी डेट होगी वो पता नहीं है, बट शटर आइलैंड गाइस अल्कैट्राज ब्लड स्ट्राइक में आ रहा है. भाई मतलब छापने की भी कुछ लिमिट होती है यार, कुछ लाइन होती है भाई, ये लोग ने लाइन क्रॉस कर दी है. अभी होप फॉर द बेस्ट कि भाई इस गेम को अभी कुछ हो ना जाए. एक बार जो है ये गेम पेला गया था वॉरजोन की तरफ से, अभी सेकंड टाइम भी जो है मुझे पूरी गट फीलिंग आ रही है भाई कि पेला जाएगा. भाई आप ही देखो यार, फोटो देख लो यार, लाइक लिटरली अल्कैट्राज का लेआउट है पूरा का पूरा. बिल्डिंग्स यहाँ पे थोड़े से अलग है, उसके बाद यू नो कोकोनट ट्रीज मुझे को देखने को मिल रहा है, उसके बाद थोड़ा बीच जैसा कुछ तो यू नो बॉर्डर लाइन बना दी है. बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यू नो जो लेवल डिजाइन है, जो मैप का डिजाइन है, बहुत बहुत सिमिलर है अल्कैट्राज़ की तरह. देखेंगे गाइस जब भी रिलीज होता है ऑफकोर्स इस चैनल पे आपको गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, एंड क्या पता मैं शायद से साइड बाय साइड कंपैरिजन भी बना दूँ वॉरजोन मोबाइल एंड प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक का, क्योंकि बहुत सिमिलर जगहें लग रही है, पूरा मैप सिमिलर लग रहा है, तो मे बी वो वीडियो भी आ सकती है. तो स्टे ट्यून्ड रहना. बट फिलहाल के टाइम में जो है गाइस ये मेजर न्यूज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी. डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर, क्या लगता है आपको प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक, लाइक बहुत सारे जब मुझसे पूछते हैं कि भाई तुझे क्या लगता है ब्लड स्ट्राइक अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है. देख भाई है अच्छा, ठीक है, बट हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते वॉरजोन की तरह. ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है ना कि गेम खुद कंपेयर कर रहा है एंड हमें कंपेयर करने को लगा रहा है, ठीक है, फोर्सफुली, क्योंकि जैसे हम ये सब चीजें देख रहे हैं इट्स कंप्लीटली कंपेरेबल विद वॉरजोन मोबाइल. ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने लाइक डिसीजन बना लिया है कि भाई मैं तो ये नहीं खेलूंगा, मेरे लिए वॉरजोन ही ठीक है, वॉरजोन ही अच्छा लगता है, जैसे कि मैं हूँ उसमें. बट डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव साइड देखें इस गेम की, तो ऑप्टिमाइज अच्छा है, 60 FPS पे चलता है, लेकिन उसी के साथ ड्रॉबैक्स भी है कि गेम उतना यू नो लाइक
अच्छा दिखता नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक टिपिकल नेटीज जैसा गेम है, ग्राफिक क्वालिटी वैसी की वैसी है जैसे हम बाकियों के नेटीज के गेम से देखने को मिलता है। कुछ ऐसा हटके ग्राफिक्स, कुछ ऐसा लाइक कुछ न्यू चीज खेल रहा है ऐसा फील नहीं होता, ये मैं हर टाइम कहता हूँ, जो सच बात है, एंड दैट्स द रीजन मेरा ऐसा ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जन आप में से ऐसे भी लोग हैं कि भाई वॉरजोन मोबाइल तो चलता नहीं है, तो प्रोजेक्ट ब्लडसाई की खेल के जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जैसे आप अपना ओपिनियन देते हो। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यार ऐसे नहीं होगा ना कि अगर समझ लो BGMI बैन हो गया, फिर BGMI नहीं चल रहा है, सर्वर्स बंद हो गए, तो अब कुछ दिनों के लिए जो है लाइक फ्री फायर डाउनलोड करके खेलोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, आप वेट करोगे ना, आप कोई बेटर गेम खेलोगे सो वैसे ही यार मैं आई डोंट थिंक सो इस गेम को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ एंड ना ही दूंगा। हाँ, अगर कुछ न्यू चीजें आती है जैसे कि न्यू मैप्स वगैरह तो मैं जो होगा कवर करता रहूंगा कंटेंट के लिए ऑफकोर्स। सो दैट इज इतना ही था आज के वीडियो में, जरूर बता देना आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर, क्या रिएक्शन था आपका ये देखने के बाद, एंड क्या लगता है आगे जाके जो है गैस प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक या फिर प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक क्यों कह रहा हूँ यार मैं, ब्लड स्ट्राइक जो है गैस संकट में आएगा या फिर नहीं आएगा, डू लेट मी नो आपको क्या लगता है। एंड यस, यहाँ पे जो है गैस ये ब्लड स्ट्राइक नेटीज का गेम है, अगर आप ये इंडियन के गूगल प्ले के अकाउंट से प्ले स्टोर पे सर्च करने की कोशिश करते हो तो आपको ये गेम नहीं दिखाएगा, ठीक है। आपको जो है गैस दूसरे कंट्री का जीमेल चाहिए, एंड ऑल्सो अभी के स्टेट में अगर आपके पास ब्लड स्ट्राइक है तो आपको VPN के थ्रू लोड करना पड़ता है, एंड जैसे ही लोड हो जाता है आप VPN डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वॉरजोन के लिए आप फिलहाल के टाइम में करते हो वैसे। तो मुझे पर्सनली पता नहीं ग्लोबल लॉन्च के बाद ये ब्लड स्ट्राइक जो है विदाउट VPN चलेगा या फिर नहीं चलेगा इंडिया वालों के लिए, देखेंगे जब रिलीज होता है 21 तारीख है, 6 दिन बाद जो है गैस दोनों गेम रिलीज हो रहे हैं, भसड़ मचाने वाले हैं, एंड कंटेंट जो है गैस आपको इस चैनल पे बहुत कुछ तड़कता फड़कता देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट्स इट, रैप अप कर देंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू गिव इट अ लाइक, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। Thanks for watching. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate is redeploying. Stand by.